टू एंड एट टेन, टेन एंड एट एटीन. नाउ हाउ मेनी रिमेनिंग? टू आर रिमेनिंग. सो टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द लास्ट शेल. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन कम इन एनी शेल? सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट. टू एन स्क्वायर, टू एन स्क्वायर. एन इज नंबर ऑफ शेल. इफ वी आर काउंटिंग फर्स्ट शेल सो वी विल राइट हेयर वन, सेकेंड शेल वी विल राइट हेयर टू. ओके, लेट्स सी. फॉर के शेल, के शेल इज द फर्स्ट शेल, वी विल राइट द फॉर्मूला टू एन स्क्वायर. पुट द वैल्यू. एन इज वन बिकॉज दिस इज फर्स्ट शेल. वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, टू वन्स आर टू. इट मीन्स इन फर्स्ट शेल, के शेल, ओनली मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड. ओके जी. फॉर एल शेल, पुट द फॉर्मूला फर्स्ट. टू एन स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एन इज टू हेयर बिकॉज दिस इज सेकेंड शेल. टू टूज आर फोर, एंड फोर टूज आर एट. इट मीन्स मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन्स कैन एंटर इन शेल एल, सेकेंड शेल. थर्ड शेल यू कैन ईजीली फाइंड आउट. थ्री स्क्वायर इज नाइन, एंड नाइन टूज आर एटीन. मैक्सिमम एटीन इलेक्ट्रॉन्स कैन कम, बट वैन यू सी सम ऑफ द थर्ड शेल हैव एट इलेक्ट्रॉन्स. वैन एटम कम्प्लीट्स इट्स ऑक्टेट, मीन्स एट इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, इट कैन मूव टू नेक्स्ट लेवल. बट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एंड कैन बी इन द एम शेल. एंड फॉर एन शेल इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट. टू एन स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एन इज फोर बिकॉज दिस इज फोर्थ शेल. फोर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एंड 16 टू द 32. ओके जी, दिस इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. लुक एट लिथियम. लिथियम हैज थ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बिकॉज इट्स नंबर इज थ्री. सो इन फर्स्ट शेल टू इलेक्ट्रॉन्स, द नेक्स्ट विल मूव टू एल शेल. इन द सेम वे लुक एट नियॉन. नियॉन हैज टेन इलेक्ट्रॉन्स, टू इन फर्स्ट शेल एंड एट इन नेक्स्ट शेल. देन सोडियम, सोडियम हैज 11. सो टू एंड एट, देन इट विल मूव टू थर्ड शेल. कम ऑन टू आर्गन, टू एट एट, 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल. देन 19 इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेशियम. When it completes its octet, octet means 8 electrons in the shell, it will move to next shell. But in third shell, remember, maximum 18 electrons can be enter. Okay? In the same way, calcium 2882. So, okay, we have done all about this, and here are given the number of each shell. So, learn it, do practice, draw this table. First, learn number of atomic number, number of electrons and protons. Okay, Gina, homework. I have given you some of the questions from the book because very good questions are given in your book for your practice. Come on to page number 55. Question number 11. Define the terms atomic number, mass number and isotopes with example. You have to, at least you have to write one example. Question number 12. In what way do isotopes of a given element differ from each other? Question number 13. A given isotopes of nitrogen contains 7 electrons, 7 protons and 8 neutrons. What is its mass number and what is its atomic number? Come on to page number 56, question number 14. C14 and N14 both have same mass number, yet they are different elements. Explain why. Question number 16. Give the names and symbols for the following elements. An element with atomic number 6, an element with 18 protons in the nucleus, an element with 17 electrons. And question number 17. How many electrons and protons are there in each of the following atom? For this you must know the atomic number. Carbon, fluorine, aluminium, potassium, argon and sulfur. And next question is question number 18. Find out the protons, neutrons and electrons in these atoms. Nitrogen, CO, cobalt, I, iodine and Pb, lead. The mass number and atomic number are also given. Define three isotopes of hydrogen and then what is radioactivity. Okay, so jazakallahu khairan.